गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये हमारा सिलेबस है और यदि मैं वैसे सिलेबस की बात करूं हम लोगों का लगभग तीन से चार यूनिट लगभग लगभग है ना प्रत्येक यूनिट के कुछ कुछ टॉपिक्स छुटे हैं तो मैं आप लोग के यदि सिलेबस दिखाऊं है ना तो हमारा आज जो है एंड होगा हमारा फर्स्ट यूनिट का तो देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स तो आपको ग्राफिक्स क्या है, है ना ये भी असाइनमेंट ही है आप लोगों को तो मैंने असाइनमेंट आप लोग को दिया था मैथड ऑफ मैथड ऑफ इंस्टॉलिंग एडोब एलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर और एक है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स ये आपको कल के क्लास के लिए असाइनमेंट रहेगा और लास्ट दो क्लास में है ना मैंने एक क्लास में आप लोगों को वर्क uh, स्पेस के बारे में मेनू बार क्या होता है टूल पैनल क्या होता है कंट्रोल पैनल क्या होता है और डॉक्यूमेंट विंडो और ये पैनल्स इसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड किया था बट उसका ऑडियो मिस हो गया था बट ये मैं शुरू क्लास में आप लोग को पढ़ा चुका था मेनू बार क्या है टूल बॉक्स क्या है कंट्रोल पैनल्स क्या होते हैं या पैनल्स जिसको नॉर्मल भाषा में कहें डॉक्यूमेंट विंडो क्या कह होता है वो पूरा बिगनिंग क्लास में मैंने आप लोग को समझा दिया था और लास्ट लेक्चर मैंने आप लोग को नोट्स भी दे दिया था ये भी टॉपिक हमारा डन है फिर हम लोग देखते हैं ये जो पोर्शन है सिलेबस का फर्स्ट यूनिट का कि फंक्शन ऑफ टूल्स प्रेजेंट इन टूल बॉक्स तो अब टूल बॉक्स के बारे में सिलेक्शन टूल हो गया है ड्राइंग टूल है ना ड्राइंग टूल में आपको यदि मैं इलस्ट्रेटर में ले चलूँ तो आपको ये पेन ब्रश टूल है ना पेन टूल और ये पेंसिल टूल और ये आपका ग्रेडियन टूल ये सारे आपको पेंटिंग टूल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स हैं तो ये भी मैंने आप लोगों को करा चुका है फिर मैं टाइप टूल की बात करूं टाइप टूल भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं ये है हमारा टाइप टूल है ना इसमें टाइप टूल के कई वर्जनस हैं ये पूरे वर्जनस मैंने आप लोगों को समझा समझा चुका है और ये भी टॉपिक हमारा कम्प्लीट है फिर हम लोग चलें रीशेपिंग टूल है ना रीशेपिंग टूल तो भाई रीशेपिंग टूल क्या होता है ये भी मैंने आप लोग को बता दिया लेकिन एक बार और रिवाइज़ करा देता हूँ तो चलिए मैं कोई ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ अब इसको एडिट करना है मुझे तो मेरे पास आई एम हैविंग दिस डायरेक्ट सेलेक्शन टूल सपोज आई वांट टू एडिट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस एंकर पॉइंट सो व्हाट आई हैव टू डू आई विल सेलेक्ट दिस एंकर पॉइंट एंड आफ्टर देयर आफ्टर व्हाट आई विल डू आई कैन एडिट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एंकर पॉइंट इस एंकर पॉइंट से मैं इसे एडिट कर सकता हूँ रिशेपिंग कर सकता हूँ लेकिन वॉट अबाउट दिस पॉइंट इफ आई वॉन्ट टू एडिट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉ दिस पॉइंट अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से एडिट करना चाहूँ देन वॉट आई हैव टू डू सो फॉर दिस दिस प्रॉब्लम आई एम हैविंग दिस रिशेप टूल ओके सो रिशेप टूलिंग रिशेप टूल आई विल क्रिएट अ एंकर पॉइंट आई विल एड अड एंड यूजिंग दिस डायरेक्ट सेलेक्शन टूल आई विल पर्टिकुलरली सेलेक्ट दिस नोड एंड देयर आफ्टर आई कैन एडिट दिस शेप like this so a reshape tool is used for adding the anchor points and uh, if suppose i want to add then i have to first of all i have to select this object then reshape tool uh, by uh, double clicking i can add the anchor point <coughs> and

तो भाई मूव करना हमें पता ही है मूव करना मतलब क्या होता है आपको एक ऑब्जेक्ट को किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करना है तो हमारे पास सिलेक्शन टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और हैंड टूल मौजूद है तो ये जो दो टूल है इनकी सहायता से हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं और हैंड टूल से हम लोग क्या करते हैं जो हमारा ड्राइंग एरिया है कैनवास है या जो स्क्रीन है उसको हम लोग मूव करते हैं तो, तो पहले मैं आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऑब्जेक्ट को मूव करना बताऊंगा तो उसके जो स्टेप है सबसे पहले आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रैग करते हुए आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ आप लोगों को इलिस्ट्रेटर में चलते हैं एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया दूसरा कोई और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ मैं यहाँ से एक ये ऑब्जेक्ट हो गया सपोज इसको मुझे भाई मूव करना है तो सिंपली सिलेक्शन टूल लूँ सिलेक्ट करूँ मूव कर लूँ मैं ड्रैग करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन लूँ सेलेक्ट करूँ मूव कर सकते हैं इसको अगर दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करना है तो भाई आप चाहे सिलेक्शन टू से ले लो फिर शूट बटन प्रेस करो और उस तरीके से आप इन दोनों कैसे मूव कर सकते हो अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या करेंगे सिलेक्ट करिए शिफ्ट के साथ इसे सिलेक्ट करिए उसके बाद इसको ड्रैग एंड मूव कर सकते हो मूव करने का और तरीका है शिप के साथ डाउन डाउन बटन से नीचे की ओर वो मूव करेगा शिप के साथ अप बटन के साथ में ऊपर की ओर मूव करेगा शिप के साथ राइट बटन के साथ में है ना राइट एरो जो होता है ना की में उसे राइट की ओर मूव करेगा शिप के साथ में लेफ्ट बटन को यदि लेफ्ट एरो की को मैं प्रेस करूँ तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह मल्टी डायरेक्शनल वे से ऐसे मूव करेगा तो ये तो हो गया मूव टूल और एक है हैंड टूल हैंड टूल इससे क्या होता है ये देखिए हमारा जो ड्राइंग स्क्रीन है या जो आर्ट बोर्ड है उसको मैं इस तरीके से ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता हूँ सो दिस इज़ हैंड टूल और एक और टूल देखना है हम लोगों को क्या है वो हैंड टूल हो गया ज़ूम टूल तो ज़ूम टूल से क्या करते हैं जो स्क्रीन होता है उसको जूम इन जूमआउट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ करूँ तो देख सकते हैं मैं जूम इन कर रहा हूँ और जूम इन किया और जूम इन किया जूम आउट किया तो इसी तरीके का काम हम इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं सो हाउ वी विल डू हमारे पास है ये जूम टूल तो मैं सपोज़ सर्कल पे काम करना चाहता हूँ तो ये जूम टूल लूँ सर्कल पर सिंगल लेफ्ट क्लिक सिंगल लेफ़्ट क्लिक सिंगल लेफ्ट क्लिक सिंगल लेफ्ट क्लिक सिंगल लेफ़्ट क्लिक जूम इन होगा और मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर दूँ तो फिट टू स्क्रीन हो जाएगा नॉर्मल व्यू में आ जाएगा उसी तरीके से कंट्रोल के साथ प्लस बटन के साथ में जूम इन जूम इन जूम इन और कंट्रोल के साथ माइनस बटन के साथ में जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट जूम आउट तो ये शॉर्टकट्स भी मैंने आप लोगों को यहाँ दे रखे हैं लिख के जूम इन के लिए कंट्रोल के साथ आपको प्लस की प्रेस करना है जूम आउट के लिए कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करना है फिट टू स्क्रीन के लिए ज़ीरो आपको प्रेस करना है कंट्रोल बटन के साथ में सो थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर में हमने समझा कैसे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते हैं कैसे जो हमारा आर्ट बोर्ड या वर्किंग जो डॉक्यूमेंट विंडो है या वर्किंग एरिया है उसको मूव करते हैं कैसे हम लोग जूम इन जूम आउट परफॉर्म करते हैं तो हैंड टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्शन टूल और जूम टूल सारा कुछ हमने आज देखा और थोड़े थोड़े और भी बेसिक जो टूल्स थे रीशिप्ट टूल उसको भी हमने थोड़े और अच्छे से आज जाना देखा समझा तो आप नोट्स बनाइए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच